उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस द्वारा माफियाओं व गैंगस्टर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार पहले भी अपराधियों के खिलाफ कठोर निर्णय लेती आ रही है और वर्तमान में भी सरकार अपराधियों के खिलाफ गंभीर है। जो माफिया है व प्रमुख अपराधी है उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में 100 दिन का अभियान चल रहा है जिसमें प्रमुख माफिया है व प्रमुख अपराधी है उनकी गिरफ्तारी, गैंगस्टर संपत्ति की जब्ती कार्रवाई चल रही है, जिसकी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश का हर जिला व हर थाना अध्यक्ष लगा हुआ है, जिसमें अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। इसलिए सभी अधिकारियों को यह कार्रवाई लगातार करनी चाहिए जिससे कि अपराधियों पर लगातार दबाव बना रहे, उनकी कमर टूटी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए प्रदेश में पूर्व में भी सरकार इस विषय में काफी कठोर निर्णय लेती रही हैं और वर्तमान में भी सरकार काफ़ी गंभीर है कि जो माफिया हैं और जो प्रमुख अपराधी हैं उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस कठोर कार्रवाई करती रहे। वर्तमान में 100 दिन का अभियान चल रहा है जिसमें जितने प्रमुख माफिया हैं और प्रमुख अपराधी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी, उनके खिलाफ गैंगस्टर, उनके खिलाफ प्रॉपर्टी जब्तीकरण, ये सभी कार्रवाई सम्यक रूप से चल रही है। इस दिशा में हर जिला लगा हुआ है, हर थाना प्रभारी लगा हुआ है और इसमें काफ़ी सार्थक रिजल्ट्स भी आए हैं, बट ये लगातार करने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों पे दबाव बना रहे और उनकी कमर टूटी रहे।